संदर्भ में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। इसी प्रकार जैसे कोविड भी तीसरी लहर उसकी जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से तेज गति से बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें भी महामारी माँ मनसा देवी का हमको आशीर्वाद मिले और ये जल्दी से बीमारी दूर हो, ऐसा हमने कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद, हमारा लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे समय पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने ही बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। ये ठीक है कि वो लापरवाही की जानकारी और दो तीन दिन बाद, क्योंकि MHA ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय और 3 दिन में लापरवाही भी सामने आ जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये उनका फेल्योर है शासन प्रशासन का। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति वहाँ महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करना। निश्चित आखिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और तभी जब ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, हमने तो मांग भी इसीलिए की है कि राष्ट्रपति शासन यदि होगा तो सारी चीज़ें सुनिश्चित चलेंगी। क्योंकि